जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साल 2019 के अंतिम महीने यानी कि दिसंबर के महीने में सूर्य ग्रहण लगा था और अब 2020 यानी कि 2020 के पहले महीने में ही चंद्र ग्रहण भी आ रहा है। दोस्तों, ये पौष मास की पूर्णिमा के दिन आ रहा है और दोस्तों इससे रिलेटेड वीडियोस आपने और भी पहले भी देख लिए होंगे, जिससे आपके मन में थोड़ा डर पैदा हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल में ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉरवर्ड की जा रही कि बहुत ही भयानक चंद्र ग्रहण है, इससे बचे आपको ऐसे नुकसान पहुंचाएगा, आप ये सावधानी रखें, गर्भवती महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इतने सारे नियम इत्यादि बता के जो है सभी लोगों के मन में डर पैदा कर दिया जाता है कि ये बहुत ही भयानक चंद्र ग्रहण है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ कि ये चंद्र ग्रहण किस तरह का चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण में एक्चुअल में क्या होने वाला है, इस ग्रहण में सूतक लगेगा कि नहीं, ग्रहण के नियमों का आपने पालन करना है कि नहीं, अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उन्हें क्या करना चाहिए, ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा और ग्रहण का समय क्या है। दोस्तों, साल 2020 में कुल 6 ग्रहण लगने जा रहे हैं, उनमें 2 सूर्य ग्रहण और 4 चंद्र ग्रहण हैं। दोस्तों, इनमें सभी चंद्र ग्रहण में उपछाया ग्रहण होंगे, जिसमें चांद पूरी तरह छुपेगा नहीं और ना चंद्रमा की काली छाया पृथ्वी पर पहुंचेगी। ज्योतिषों की माने तो साल का पहला चंद्र ग्रहण जो कि जनवरी महीने में लगने वाला है, यह भी एक उपछाया ग्रहण है। दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में ये जानेंगे उपछाया चंद्र ग्रहण होता क्या है, क्या इसमें सभी नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा, साथ ही अगर इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती है तो दोस्तों आपने इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ में शेयर जरूर से करना चाहिए, ताकि पहले से पैदा किए हुए डर को कम किया जा सके। दोस्तों, 2020 के पहले महीने में लगने जा रहा है साल का पहला ग्रहण, तो जो चंद्र ग्रहण है वो इस बात को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही कि 2019 का अंत सूर्य ग्रहण के साथ और साल 2020 का आरंभ चंद्र ग्रहण से हो रहा है, इसका कुछ अशुभ प्रभाव हम सभी पे पड़ने वाला है, इन राशियों पर ये प्रभाव पड़ने वाला है, उन राशियों पर ये प्रभाव पड़ने वाला है, इसके लिए आप ये उपाय करें, इसके लिए आप वो उपाय करें, तो इस तरह की अफवाहें जोर शोर पर यूट्यूब के थ्रू फैलाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि 10 जनवरी को लगने जा रहे साल के पहले चंद्र ग्रहण को लेकर कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इवन दोस्तों, इस ग्रहण में सूतक भी नहीं लगेगा, मंदिरों के कपाट है वो खुले रहेंगे, पर्दा इत्यादि जो लगता है बंद किया जाता है, पूजा इत्यादि नहीं की जाती है सूतक में, तो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये मात्र उपछाया चंद्र ग्रहण है। और दोस्तों, किसी भी अच्छे पंचांग को उठाकर आप देखेंगे या किसी अच्छे ज्योतिष से पूछ लेंगे, तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि उपछाया चंद्र ग्रहण को शास्त्रों में ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखा गया है, ये ग्रहण है ही नहीं। यही वजह है कि चंद्र ग्रहण लगने पर जहाँ सूतक का विचार किया जाता है, वहीं उपछाया चंद्र ग्रहण पर सूतक का विचार नहीं होता है। इस दौरान ना तो मंदिरों के कपाट बंद किए जाते, ना ही किसी धार्मिक कार्य को करने की मनाही की जाती है। आप सामान्य दिनों की तरह रोज जो काम करते हैं वो आसानी से कर सकते हैं, जैसे अगर चंद्र ग्रहण है तो पूर्णिमा के दिन होगा, तो इसलिए दोस्तों पूर्णिमा के दिन अगर आपके व्रत है, कोई पूजा इत्यादि करें तो आप आसानी से कर सकते हैं, दान इत्यादि कर सकते हैं, किसी भी नए काम को आप शुरू करें तो वो भी कर सकते हैं, किसी तरह की आपके लिए कोई मनाही नहीं है सूतक के, ग्रहण के नियमों को आपने इसमें कोई भी विचार करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के होने से पहले चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करते हैं, जिसे चंद्र मालिन्य कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में इसको पेनुम्ब्रा कहते हैं, और इसके बाद पृथ्वी की वास्तविक छाया नहीं कि अम्ब्रा में प्रवेश करता है, और जब ऐसा होता है तब वास्तविक ग्रहण होता है। लेकिन कई बार चंद्रमा उपछाया में प्रवेश करके उपछाया शंकु से ही बाहर निकल आ जाता है, वह पृथ्वी की जो एक्चुअल छाया उसमें प्रवेश नहीं करता है, और इसलिए उपछाया के समय चंद्रमा का जो बिंब है वो केवल धुंधला पड़ता है, काला नहीं होता है, और इस धुंधलापन को भी सामान्य रूप से देखा भी नहीं जा सकता है, ये बिल्कुल भी दिखाई भी नहीं देता है, इसलिए चंद्र मालिन्य मात्र होने की वजह से इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं, न कि चंद्र ग्रहण।
दोस्तों, क्योंकि एक्चुअल में ये ग्रहण है ही नहीं, इसलिए चंद्र ग्रहण में लगने वाला जो सूतक का विचार किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको विचार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये जो चंद्र ग्रहण है वो 10 जनवरी 2020 को पौष पूर्णिमा के दिन लगेगा, यानी जिस उस दिन है फ्राइडे। और दोस्तों, इस ग्रहण का जो समय रहेगा वो 4 घंटे 5 मिनट का होगा और ग्रहण शुरू होगा 10 जनवरी की रात को 11:37 पर, और जो खत्म होगा 11 जनवरी को सुबह 10:42 पर, यानी कि मध्य रात्रि में ही वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये ग्रहण भारत के अलावा कई और जगह पर दिखाई देगा, जैसे कि यूरोप, अफ्रीका के देश, ऑस्ट्रेलिया और भारत से कई एशियाई देशों में भी ये ग्रहण जो है वो दिखाई देगा। दोस्तों, ये तो हमने समझ लिया कि ये चंद्र ग्रहण नहीं है, ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, जिसे कि ग्रहण की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो इससे जुड़े कई सवाल जो है वो उठ खड़े होते हैं। तो क्या इस दशा में हमें खाने पीने की चीज़ों में क्या दुर्वा या फिर जो तुलसी के पत्ते हम डालते हैं, क्या वो डालना चाहिए कि नहीं, इस समय खाना खाएँ कि नहीं, ग्रहण का जो समय उस टाइम क्या हमें बाहर जाना चाहिए कि नहीं, इस समय जल ग्रहण करें कि नहीं। क्योंकि दोस्तों, जब ग्रहण का समय आता तो गर्भवती महिलाओं के लिए कई सारे नियमों की लिस्ट जो है वो आ जाती है, लेकिन दोस्तों आज के समय में उनकी क्या प्रासंगिकता है उसे समझने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण अगर नॉर्मल होता है तभी अगर गर्भवती स्त्री है तो ऐसा नहीं कि वो लेट नहीं सकती, उसे पैर फोल्ड नहीं करने चाहिए, उसे कहीं जो है रूम में ही रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो आराम से चल सकती है, उसे कुछ खाना हो तो वो खा सकती है, और साथ ही अगर पानी पीना हो तो हल्का गर्म पानी जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकती है। इसके साथ दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को कैंची, चाकू इत्यादि का इस्तेमाल करने की मनाही की जाती है। उसके पीछे भी एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, वो उस समय की बात है जिस टाइम रोशनी पूरी नहीं रहा करती थी और ग्रहण के समय अंधकार छा जाता, तो इन सब चीज़ों से चोट पहुंचने का डर होता है, इसीलिए इनके इस्तेमाल के लिए मनाही की जाती थी। बाकी इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं दोस्तों, इसलिए आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते, इसमें कोई भी तरह का कोई डर नहीं है। फिर दोस्तों, पुराने जमाने में जो चीज़ें प्रॉब्लम की थी उन्हीं को लेकर आज भी उसी तरीके से चल रही है, जिससे पहले जो कच्चे घर हुआ करते थे, खुले घर हुआ करते थे, तो जो भी बैक्टीरिया ग्रहण के समय में हवा में होते थे वो हमारे जल, हमारी सभी चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में आ जाते थे, जो कि हमें बीमार कर सकते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों से प्रिकॉशन के रूप में उस समय खाना पीना जो है वर्जित माना गया था। लेकिन दोस्तों, आज के समय में हम बंद घरों में रहते हैं, एसी वाले रूम में लोग रहते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जहां आप के अंदर बैठे हैं और वहाँ जो आपने खाना बना के रखा उसको खाएं तो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पानी भी अगर आपने पहले से गर्म करके रखा हुआ है, कवर किया हुआ पानी, तो आप आराम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, इस स्पेशली इस चंद्र ग्रहण में जो 10 जनवरी को लगने वाला है, उसमें तो आपको किसी भी तरह के किसी भी नियम को फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये ग्रहण एक्चुअल में ग्रहण है ही नहीं। तो आप जैसे डे टू डे लाइफ में जैसे आप जिस समय खाना खाते हैं, पानी पीते, वो सब आपने नियम वो पालन करना है। अगर कोई गर्भवती महिला है, वो बाहर जाना भी चाहती तो जा सकती है, किसी भी तरह की कोई बंदिश उन पे नहीं है। लेकिन दोस्तों, बस है कि जब भी कोई ग्रहण होता है तो एक चीज़ का काम आपने जरूर से करना चाहिए, ग्रहण खत्म होने के बाद में आपने फ्रेश फ्रूट जो है वो जरूर से खाने चाहिए, कि दोस्तों फ्रूट्स जो होते हैं उनमें एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे हमें एनर्जी जो है, एनर्जी लेवल हमारे बॉडी का बूस्ट होता है और डिटॉक्स करने में हमें बॉडी को मदद मिलती है। इसीलिए जब भी ग्रहण हो उसके बाद में आपने फ्रेश फ्रूट्स जो है वो जरूर से खाने चाहिए। तो दोस्तों, 10 जनवरी को जो ग्रहण लग रहा है उसमें आपने किसी भी नियम को, न सूतक के नियम को पालन करना है, न ही ग्रहण के नियम का पालन करना है। दोस्तों, वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे आपने अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि जिन वीडियोस की वजह से लोग डरे हुए हैं कि बहुत ही भयानक ग्रहण है, उन्हें ये सावधानी रखनी है, वो लोग निष्फिक्र होकर अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकें। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आपने अधिक से अधिक शेयर करना है। और दोस्तों, अगर आपने अपना देश चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप फौरन कर लीजिए, और साथ दोस्तों ग्रहण या अन्य किसी धर्म से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप जरूर कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और साथ ही अपने इष्टदेव भगवान का नाम आप कमेंट में जरूर से लिखें। तो हमेशा की तरह दोस्तों, मेरी यही शुभेच्छा है कि आप हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। इसी शुभेच्छा के साथ मैं विदा लेती हूँ, फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।